हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट इन माइंड चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दिया स्टैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है, तो इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस से। तो बेस बनाने के लिए मैंने लिया है थर्माकोल का पीस, और इसको मैंने गोल कट कर दिया है। इसके साथ मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है। इन दोनों को मैं आपस में अच्छे से पेस्ट कर देती हूँ, जिससे ये हमारा बेस बन जाएगा। तो ये बेस हमारा रेडी हो गया है। अब मैं स्टैंड के लिए दो थर्माकोल के पीसेस और थ्रेड का जो पाइप होता है वो यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं ग्लू गन से अच्छे से इस पर चिपका दूँगी। चलिए ये भी रेडी हो गया है। अब मैं दो पिकॉक की कटिंग है वो यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इस पाइप पे पेस्ट कर दूँगी ग्लू गन की हेल्प से। ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कुछ पेपर की कटिंग। उसको वाटर और ग्लू के मिक्सचर में डीप करके मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से कवर करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कवर हो चुका है, अब इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसको ड्राई होने में लगभग 3 से 4 घंटे इसको लगे हैं। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट सीमेंट, वाटर और ग्लू। इन तीनों का मैं पेस्ट बना रही हूँ और इस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अगर आपके पास वाइट सीमेंट नहीं है तो आप क्ले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो POP होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास सिंपल पेंट है या फिर कलर्स है, आप डायरेक्ट उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इसको थोड़ा मजबूती देने के लिए इस पर वाइट सीमेंट का यूज़ कर रही हूँ। पूरे पिकॉक पे और जो बेस बनाया हमने उस पर वाइट सीमेंट का जो पेस्ट है उस पर अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो अब ये जो दिया स्टैंड है ये अच्छे से रेडी हो चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है। और अब हम इसको सैंड पेपर की हेल्प से हल्का हल्का हाथों से रब करेंगे और एक्स्ट्रा डस्ट इसमें से रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा डस्ट मैंने हटा दी है और अब मैं इसमें और भी आज जो है वो ऐड कर रही हूँ। उसके लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने और दिया इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये पूरा भरा हुआ दिया लग रहा है दिया स्टैंड, और बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेगा, क्यूट लगेगा जब हम इसे दिए को जलाएंगे। तो अब हम इसकी बीक बना लेते हैं। बीक बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्ले का। तो ये देखिए मैंने इसको क्ले को पूरा अच्छे से गोल कर लिया है और मैं अब दोनों उंगलियों से इसको दबा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ग्लू की हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी पिकॉक पे। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ और थोड़ी देर में ये ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे कलर करना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए हमारा दिया इज डन, एकदम रेडी है। अब हम वार्निश अप्लाई करेंगे इसे इस पर। वार्निश का यूज़ हम शाइन के लिए कर रहे हैं, अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा दिया स्टैंड एकदम रेडी हो चुका है पूजन के लिए, तो मैं तो इसको दिवाली के लिए यूज़ करूँगी। और आप भी ऐसे ही दिया बनाइए, और अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों की बात ही कुछ और है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।